हेलो फ्रेंड, आज अपन उज्जैन संभाग के देवास जिले के बारे में बात करेंगे। कि मैंने बताया था आपको उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और उसका कोड भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में। आज अपन उज्जैन संभाग के एक जिले के बारे में बात करेंगे जिस जिले का नाम है देवास। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ अपनी। जो अपना देवास था दोस्तों, यह इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों देवास का, वह प्राचीन नाम था देवीदास। क्या नाम था देवास का प्राचीन नाम दोस्तों? देवास का जो प्राचीन नाम था वो देवीदास था दोस्तों, ठीक है। और जो अपना देवास है, देवास का प्राचीन नाम अपना देवीदास हो गया। और देवास का जो मुख्यालय था वो कहाँ था दोस्तों? तो वो देवास पे ही था, ठीक है। उसके बाद जो देवास जिले से उज्जैन संभाग का जो उज्जैन था वह बस बड़ा था दोस्तों थोड़ी तो, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो, इसलिए वो वीडियो थोड़ा बड़ा था। और जो अपने देवास है इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आती हैं एग्जाम्स में, उन्हीं चीज़ों को अपन पढ़ेंगे आज। तो दूसरा, देवास का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 7,020 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिंगानुपात बता देता हूँ देवास में, तो 942 महिलाएं पे 1,000 पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल बता दिए, लिंगानुपात बता दिए, और उसके बाद साक्षरता, जो अपने देवास जिले में साक्षरता है दोस्तों वो 80.3% है, ठीक है। उसके बाद देवी बेसनी, ये क्वेश्चन आया था, देवी बेसनी की पहाड़ियां कहाँ है? तो देवी बेसनी की पहाड़ियां अपने देवास जिले में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देवास, ये बेसनी की पहाड़ियां जो है देवास में, और बेसनी की पहाड़ियों के पास मंदिर है कौन सा? देवी चामुंडा का जो मंदिर है, बेसनी की पहाड़ियों में जो मंदिर है वो देवी चामुंडा का है मंदिर, ठीक है। तो अगर देवी बेसनी की पहाड़ियां पूछता है तो कहाँ है? देवास में। और देवी चामुंडा की मंदिर पूछता है तो बेसनी में ही है, और बेसनी कहाँ है? बेसनी की पहाड़ियों में, और बेसनी की पहाड़ियां कहाँ है? तो देवास में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बैंक नोट प्रेस कारखाना, बैंक नोट प्रेस कारखाना जो है ये 1974 में खोला गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है बैंक नोट प्रेस कारखाना, कई जगह पर 1969 है लेकिन मैंने क्लियर किया है ये 1974 पे ही खोला गया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर 5 से लेकर 500 तक के नोट छापे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ सकती है, बैंक नोट प्रेस कारखाना देवास में जो है वो कब खोला गया और कितने तक के नोट छापे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोट नोट है दोस्तों 5 से 500 तक के छापे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दवा की रैन वॉक्सी कंपनी, जो दवा की रैन वॉक्सी कंपनी है यहीं पर है देवास में है, ठीक है। रैन वॉक्सी ये नाम याद रख लेना, रैन वॉक्सी कंपनी अपने देवास में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों टाटा, टाटा एक्सपोर्ट देवास में है। टाटा एक्सपोर्ट कहाँ पर है, क्वेश्चन आया टाटा एक्सपोर्ट, तो टाटा एक्सपोर्ट अपना देवास में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दरोगा ISO, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दरोगा ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला जिला देवास है, मतलब जो मध्य प्रदेश का पहला जिला था, MP का पहला जिला ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देवास ही था दोस्तों, देवास था, ठीक है। उसके बाद MP का पहला पुलिस थाना देवास में है, MP का पहला पुलिस थाना देवास में है दोस्तों। मोबाइल, मतलब MP का पहला मोबाइल थाना कह लो या पुलिस थाना, ये कहाँ था? देवास में ही था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जामगोदरानी एक जगह का नाम है दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की, मतलब अपने जामगोदरानी में मध्य प्रदेश की अपने MP की सबसे ज्यादा पवन चक्कियां हैं, सबसे सबसे ज्यादा पवन चक्की है, पवन चक्की है वहां पर जामगोदरानी में, सबसे ज्यादा पवन चक्की है। उसके बाद नोट और बोटिंग में यूज होने वाली जो स्याही है दोस्तों ये देवास में बनती है। क्वेश्चन आया था पिछली बार, नोट और बोटिंग में यूज होने वाली स्याही कहाँ बनती है? तो देवास में बनती है दोस्तों, ठीक है। MP में, मतलब देवास के बागली तहसील से, जो देवास जिला है उसके कौन सी तहसील? बागली तहसील से, जो अपने देवास जिले के बागली तहसील है वहां से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? काली सिंध नदी का उद्गम होता है, मैं आपको बता देता हूँ उद्गम, ठीक है। उसके बाद चमड़ा कॉम्प्लेक्स दोस्तों कहाँ पर है अपना? चमड़ा कॉम्प्लेक्स अपना देवास में है, और कॉम्प्लेक्स अपने मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों वो 4 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहला तो हो गया अपना चमड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टील कॉम्प्लेक्स हो गया, एग्रो कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चौथा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स है, पहला स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स,
उसके बाद स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स और चमड़ा का तो हो ही गया, एक एग्रो करके है, एग्रो कॉम्प्लेक्स दोस्तों, एग्रो कॉम्प्लेक्स। तो अपना जो स्टील, अपने मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में चार कॉम्प्लेक्स हैं, स्टील इलेक्ट्रॉनिक चमड़ा एग्रो। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना स्टील कॉम्प्लेक्स है दोस्तों ये सागर में है, और ये मैं लिख देता हूँ, स्टील कॉम्प्लेक्स जो है ये अपना सागर में है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अपना इंदौर में है, ये फेमस भी है, मैंने बताया। चमड़ा कॉम्प्लेक्स अपना देवास में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मेरा जो एक लास्ट बचा एग्रो कॉम्प्लेक्स, वो एग्रो कॉम्प्लेक्स अपना जो दोस्तों वो छिंदवाड़ा में है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। तो अपने ये चार कॉम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद चमड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया, देवास, देवास से नर्मदा, काली सिंध और गंभीर व क्षिप्रा नदी बहती है। उसके बाद खिवनी, खिवनी अभयारण्य है दोस्तों, एक खिवनी अभयारण्य है जो देवास और सीहोर में है। ठीक है, खिवनी अभयारण्य है जो देवास और सीहोर में है दोस्तों। ठीक है, इसका जो वर्ग किलोमीटर अगर पूछ लेता है खिवनी अभयारण्य का, तो खिवनी अभयारण्य का वर्ग किलोमीटर 135 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 135 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी, स्थापना खिवनी की 1955 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, खिवनी अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1955 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, मैं और इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा यहाँ रफ करके आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो अपनी नर्मदा नदी, ये देवास की नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्गम सबको पता होगा, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक। उसके बाद दोस्तों काली सिंध का भी दोस्तों आपको पता है देवास से ही होता है। ठीक है, काली सिंध का उद्गम देवास से होता है, गंभीर नदी का कंफर्म नहीं है बट महू से होता है। और जो अपनी क्षिप्रा नदी है दोस्तों, क्षिप्रा नदी है, इसका इंदौर की काकरीवाड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के देवास जिले में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों, और मैं ऐसे ही अपने जिले वाइज हर जिले की एक नई वीडियो लाते जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और खनिज पूछ लेते हैं कई बार, खनिज। तो यहाँ जो देवास है दोस्तों अपने यहाँ तांबा ही पाया जाता है, लेकिन तांबा, तांबा दोस्तों एक ऐसा खनिज है जो अपने मध्य प्रदेश में कई देवास में पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है, बालाघाट में पाया जाता है, होशंगाबाद और आदि जिलों में पाया जाता है तांबा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तांबा पाया जाता है खनिज में। ठीक है, यहाँ के जो वन है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक वन का ही पूछ लेते हैं कई बार, एरिया वन तो वैसे मैं अलग से अपना वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधी वन पाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जो देवास जिला था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देवास जिला उज्जैन संभाग में आता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्राचीन नाम देवीदास था और देवास का मुख्यालय देवास में ही है, और इसका क्षेत्रफल मैंने बता दिया 7,020 किलोमीटर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है, दरोगा ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला जिला बना था देवास। उसके बाद MP का पहला पुलिस थाना, मोबाइल पुलिस थाना जो MP का था वो देवास में ही था दोस्तों। ठीक है, और एक इससे पूछ सकता है, जामगोद रानी, जामगोद रानी क्या है दोस्तों? यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पवन चक्कियां पाई जाती हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा। उसके बाद एक ये नोट और बोटिंग में यूज होने वाली स्याही देवास में बनाई जा देवास में बनती है। ठीक है, और एक चीज ये पूछ सकता है, जो बैंक नोट प्रेस कारखाना है दोस्तों, ये कंफर्म पूछता है, बैंक नोट प्रेस कारखाना ये 1974 में खोला गया, 500 से 500 तक के नोट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और जो यहाँ से अपने देवास जिले से निकलती है नदी, उसका नाम है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी है और ये बागली तहसील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, देवास जिले में बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया आप लोगों को। थैंक यू।